इस्माइल कानी, ये वो टॉप कमांडर हैं जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का पूरा भरोसा जीत लिया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके चीफ पहले कासिम सुलेमानी थे। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कानी कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब बात यह है कि उनके मंसूबों को समझना मोसाद के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि कासिम मोसाद की हिटलिस्ट में एक महत्वपूर्ण नाम बन गए हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का सबसे भरोसेमंद टॉप कमांडर इस्माइल कानी है। इस्माइल कानी ईरान के उस फोर्स का सुप्रीम कमांडर है जिसका चीफ कभी कासिम सुलेमानी था। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी अमेरिका और पश्चिमी देशों की ब्लॉक लिस्ट में टॉप पर है। इस्माइल कानी ने ईरान इराक युद्ध में 5वीं नस्र ब्रिगेड और 21वीं इमाम रजा आर्मर्ड ब्रिगेड को लीड किया था। 1981 में इसराइल कानी ने तेहरान की इमाम अली ऑफिसर्स एकेडमी सैन्य प्रशिक्षण लेने के बाद कुछ फोर्स ज्वाइन की। IRGC जनरल सुलेमानी ने इस्माइल कानी को 41वीं थरल्ला डिवीजन का कमांडर बनाया था। थरल्ला कमांडर रहते हुए इस्माइल कानी ने अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर की रखवाली की थी। साल 1997 में कानी को कुछ फोर्स का डिप्टी कमांडर बनाया गया। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद खामनेई ने इस्माइल कानी को कुछ फोर्स का चीफ बनाया। इस्माइल कानी पर खामनेई को सबसे ज्यादा भरोसा है। इसराइल से बदला लेने के लिए कानी ने जो पैगाम भेजा है उसे मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की जुबानी सुन लीजिए। जम्हूरी इस्लामी ईरान در بازی های تحریکات رسانه‌ای و غیر آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت. محور مقاومت نیز هر کدام به تناسب توانمندی‌ها و تدابیر خود این انتقام‌ها را صورت خواهند داد که روز گذشته بخشی از آن را इस्माइल हानिया की मौत के बाद इस्माइल कानी ने नेतन्याहू के नाम एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें हानिया की जाबाजी का बखान करने के साथ कानी ने इसराइल को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। हालांकि खामनेई के इशारे के बाद इस्माइल कानी काफी दिनों तक शांत बैठा रहा, मगर सही मौके का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसराइल हर फ्रंट पर दुश्मनों से घिरा हुआ है। हूथी, हमास और हिजबुल्ला की तिकड़ी ने नेतन्याहू को 3 मोर्चे पर उलझा रखा है। ऐसे में जल्द कुछ फोर्स चीफ अपनी चाल चल सकता है। इस्माइल खानी IRGC की जिस कुछ फोर्स का चीफ है वो विदेशी जमीन पर सीक्रेट ऑपरेशन के लिए कुख्यात है। कुछ फोर्स ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को सीधे रिपोर्ट करती है, यानी इस्माइल खानी को खुली छूट है। इस्माइल खानी के पास 5000 ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जो सिर पर कफन बांध कर रहते हैं। इस्माइल कानी की लीडरशिप में कुछ फोर्स की ताकत सीरिया के सिविल वॉर में दुनिया ने देखी है, जहां बशर अल असद के समर्थन में जुटी कुछ फोर्स ने पश्चिमी देशों की संयुक्त सेना को धूल चटा दी थी। ये कुछ फोर्स ही है जिसने इराक में 70 से भी ज्यादा शिया मिलिशिया ग्रुप बनाकर सुपर पावर अमेरिका को दहलाया है। मतलब इस्माइल कानी के वॉर प्लान सॉलिड होते हैं। इस्माइल कानी ने ज्यादातर मिशन में 100% सफलता हासिल की है। अली खामनेई के सबसे भरोसेमंद टॉप कमांडर को अब इसराइल से बदला लेने का जिम्मा मिला है, तो जल्द बड़ा धमाका होना तय है। इस्माइल कानी के लिए नेतन्याहू क्या प्लान बनाते हैं? क्या ईरान के वार से पहले इसराइल पलटवार करेगा? यह भी मुमकिन है क्योंकि अमेरिका ने खुलकर ईरान पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाते हुए जल्द सबक सिखाने की वार्निंग दे रखी है। अमेरिका की शह ऐसी ही मिलती रही तो नेतन्याहू खामनेई के इस्माइल नंबर 2 को भी हानिया की तरह खल्लास कर सकते हैं।